दोस्तों यहाँ फिल्म गणपत के बाद अब हमें टाइगर की कौन सी फिल्म देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गणपत को देखने के बाद यहाँ पर कई कारणों से वेट बढ़ जाता है टाइगर की नेक्स्ट फिल्म का। ऐसे में दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि गणपत के बाद आने वाली टाइगर की नेक्स्ट बड़ी फिल्म रहने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खिलाड़ी कुमार अक्षय और टाइगर एक साथ हमें दिखने वाले फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। और जैसे कि उसको इस फिल्म के लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करना होगा क्योंकि ये आ रही है 2024 ईद के मौके पर। और यहाँ इस फिल्म से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि यहाँ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। जी आज तो ज़बरदस्त और बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में आ रही है फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और यह कहीं ना कहीं इसी कारण से इस फिल्म का सभी को कुछ ज़्यादा ही बेसब्री से वेट है। जी आज तो यहाँ अक्षय टाइगर के एक साथ आने से तो इस फिल्म की स्टार कास्ट दमदार हो ही जाती है। और यहाँ अली के आने से लगभग ये पक्का हो जाता है कि फिल्म में सब कुछ काफ़ी बेहतरीन होगा क्योंकि यहाँ अली जो कि अपनी फिल्मों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और वो सब कुछ चाहते हैं एकदम A1। और यहाँ जिस तरीके से फिल्म की शूटिंग होती हुई दिखी है उसे देख अंदाज़ा लगता है कि इस फिल्म में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा लार्ज रखा गया है। और फिल्म में कई सारे बेहतरीन चीज़ें और रियलिस्टिक चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और इसमें कहा जाए तो इस फिल्म के साथ ही यहाँ पर अक्षय टाइगर जो कि अपनी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म दे सकते, लेकिन जैसे कि हम फिलहाल तो इस फिल्म के लिए थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन 2024 में ये फिल्म काफ़ी खास रहने वाली है जो कि आ रही है ईद के मौके पर। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।